good morning students this is the fifth lecture of chapter number 13 that is the solar system of class 4 from cordova science in previous four lectures we had discussed about universe about the sun and uh, stars about the solar system and its planet and uh, structure of the earth and also about the Movement of the earth, in which we had discussed about rotation and revolution and how rotation helps in um, causing days and night. Today, we will discuss about season. So, let's get started. The earth revolves around the sun, however, during its revolution, the earth always remains tilted on its एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री क्या होता है अर्थ रिवोल्यूशन में क्या होता है अर्थ ये सन है अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है इसी को क्या कहते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं तो जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस टाइम पे क्या होता है अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा सा क्या है झुका हुआ है कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री एंगल पे वो झुका हुआ है अर्थ अपनी एक्सिस पे तो क्या होता है एज अ रिजल्ट एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज बेंट टूअर्ड द सन वाइल साउदर्न हेमिस्फेयर इज अवे फ्रॉम इट जब ये हल्का सा झुका हुआ है अर्थ अपने एक्सेस पे थोड़ा सा झुका हुआ है तो जब ये रोटेशन करता है उस टाइम पे भी हल्का सा झुका हुआ है टिल्ट रहता है बेंट रहता है तो अर्थ का एक टाइम ऐसा आता है जब नॉर्दर्न हेमीस्फेयर सन के सामने होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि साउदर्न हेमीस्फेयर सन के सामने आता है तो इसमें क्या होता है कि जो एरिया सन के सामने आता है उस एरिया में क्या होता है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है उस रीजन में सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और उसकी वजह से वहाँ पे समर सीज़न होता है और जो एरिया सन के बैक साइड में होता है वहाँ पे सन की वो सन से दूर होता है वहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ पाती है तो वहाँ पे क्या होता है नाइट सॉरी विंटर होता है विंटर का सीजन होता है क्या होता है झुकने की वजह से क्या होता है रिजल्ट सर्टेन टाइम एक सर्टेन टाइम पे एक किस साल के कुछ फिक्स टाइम में क्या होता है नॉर्दर्न हेमस्फेयर बेंड टूवर्ड्स दन सन सन के साइड पे झुका हुआ होता है उस टाइम पे क्या होता है जब नॉर्दर्न हेमोस्फेयर सन के साइड पे बेंड होता है तो साउद हेमेस्फेयर सन से दूर होता है एट समाइम्स अबाउट सिक्स मंथस लेटर मतलब उसके बाद जिस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिसफेयर सामने होता है झुका होता है पास होता है और साउद हेमिसफेयर दूर होता है उसके अबाउट सिक्स मंथ मतलब अप्रॉक्स सिक्स मंथ के बाद क्या होता है इसका अपोजिट हो जाता है द साउदर्न हेमिसफेयर इज बेंड टूवर्ड्स द सन वाइल द नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज अवे फ्रॉम इट फिर अप्रोक्स सिक्स मंथ के बाद क्या हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर सामने आ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बैक साइड में चला जाता है मींस दूर हो जाता है द हेमिस्फीयर व्हिच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन गेट्स द डायरेक्ट सनरेइज सो इट इज वार्मर और ये जो फेनोमेनन होता है कि एक हेमिस्फीयर सामने है अदर दूसरा वाला बैक साइड में है दूर है फिर छे महीने बाद इसका अपोजिट हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है वो हेमोस्फेर जो सन के साइड पे झुका हुआ होता है उस पे सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है और जब रेस डायरेक्ट पड़ती है तो वो दूसरे वाले हेमोस्फेयर के कंपैरिजन में वॉर्मर होता है गर्म होता है और उसकी वजह से कौन सा सीजन होता है वहां पे इट हैज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट नाइट दिन वहां पे लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है इट हैज समर वहां पे समर सीजन होता है एट द सेम टाइम उसी टाइम पे क्या होता है एट द सेम टाइम द अदर हेमोस्फेयर दैट इज अवे फ्रॉम द सन गेट्स स्लॉटिंग सन रेज एंड सो इट इज कूलर क्या होता है उसी टाइम पे जिस टाइम पे एक हेमोस्फेयर जिसपे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है वो गर्म होता है वहां पे लंबे दिन होते हैं रातें छोटी होती हैं और सीजन कौन सा होता है समर का सीजन होता है उसी टाइम पे दूसरा वाला जो हेमोस्फेयर होता है वहां पे क्या होता है सन की लाइट सीधे नहीं पड़ती है तिरछी लाइट पड़ती है जिसकी वजह से वहां का जो आ, मौसम होता है वेदर होता है कैसा होता है ठंडा होता है कूलर होता है इट हैज शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स जिसकी वजह से क्या होता है वहा पे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है और जब दिन छोटे हैं रातें लंबी है तो सीजन कौन सा होगा इट हैज विंटर विंटर सीजन होता है वहां पे फॉर एग्जाम्पल वेन इट इज समर इन इंडिया इन नॉर्दर्न हेमस्फेयर इंडिया कहाँ पे है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में है और जब इंडिया में समर का सीजन होता है तब क्या होता है ब्राजील इन साउदर्न हेमेस्फेयर ब्राजील कहां पे प्रेजेंट है साउदर्न एमोस्फेयर में आता है तो वहां पे जब इंडिया में समर का सीजन होता है तो ब्राजील में कौन सा सीजन होता है विंटर का सीजन होता है और नियर द इक्वेटर रिसीव द सेम अमाउंट द अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल अराउंड द ईयर क्या होता है वो रीजन जो इक्वेटर के पास में होता है जस्ट अ लुक ये क्या है इक्वेटर है इक्वेटर के पास में जो रीजन होता है मीन्स इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो रीजन पास में होता है एरिया ज्यादा दूर नहीं होता है वहां पे क्या होता है सनलाइट अप्रॉक्स ऑल ओवर द ईयर मतलब पूरे साल uh, एक ही तरीके की मतलब इक्वल uh, अमाउंट में सन सन रेज वहां तक पहुंचती है ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी ज्यादा पहुंच रही है कभी कम पहुंच रही है तो वहां पे क्या होता है सो इट इज लाइक समर ट्वेल्व आर्स ऑफ डे एंड ट्वेल्व आर्स ऑफ नाइट थ्रू आउट द ईयर तो इस वजह से जब वो जब वहाँ पे इक्वल अमाउंट में सनलाइट पहुंच रही है दिन में भी रात में भी तो वहाँ पे पूरा पूरे साल भर समर का सीजन होता है बारह घंटे का दिन होता है और बारह घंटे की रातें होती हैं मीन्स ना दिन बड़ा होता है ना ही रातें बड़ी होती हैं दोनों अप्रॉक्स इक्वल टाइम के लिए होता है पे जो रीजन हमारा इक्वेटर के पास में होता है ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर वाइल स्प्रिंग कम्स बिटवीन विंटर एंड समर क्या होता है समर और विंटर कब आता है ये तो समझ में आ गया अब ऑटम का सीजन कब आता है हमारा जो समर का सीजन होता है और विंटर का सीजन होता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसी में एक सीजन आता है कौन सा ऑटम और स्प्रिंग कब आता है जब विंटर हमारी खत्म होने लगती है और समर की स्टार्टिंग होती है तो उसके बीच में हमारा कौन सा सीजन आता है स्प्रिंग आता है और जब समर हमारा खत्म होता है थोड़ा सा खत्म होता है हल्की हल्की ठंड होती है उस टाइम पे उस टाइम पे क्या होता है बीच में हमारा ऑटम का सीजन आता है ऑटम एंड स्प्रिंग आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड ये ऑटम और स्प्रिंग ऐसा सीजन है कि जब ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है एज अट कि समर खत्म हो रहा होता है अपने एकदम लास्ट टाइम पे होता है और विंटर स्टार्टिंग टाइम पे होता है तो ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है ऑटम में उसी तरह स्प्रिंग में विंटर का एंड होता है और समर की स्टार्टिंग होती है इस टाइम पे भी क्या होता है सीजन ऐसा होता है कि ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है दस बोथ रिवोल्यूशन एंड टिल्टिंग ऑफ द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इसीलिए क्या कहा जाता है रिवोल्यूशन जो है रिवोल्यूशन और जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है मींस झुकी हुई है इसी की वजह से जो डिफरेंट सीजन पॉसिबल है अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो फेनोमेनन की वजह से है रिवोल्यूशन और और एंड टिल्टिंग ऑफ the earth जो अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी वजह से सीजन होते हैं और जो अपने एक्सेस पे बेंट है उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सीजन मिलते हैं हमें अर्थ पे जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर इसमें क्या है सन के सामने जो रीजन है वहाँ पे समर है यहाँ पे ये यह वाला रीजन सम, इसमें समर है और बैक साइड है जो वहाँ पे विंटर है उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला रीजन सामने आ रहा है तो यहाँ पे समर uh, है और जो बैक वाला साइड है वहां पे विंटर है विंटर इन द नॉर्दर्नस्फेयर यहाँ पे समर साउदर्न हेमोस्फेयर में समर है और विंटर कहाँ पे नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में फिर जब थोड़ा सा और रिवोल्यूशन करके आगे बढ़ रहा है अर्थ तो क्या हो रहा है स्प्रिंग इन द नॉर्मल नॉर्दर्न हेमिसफेयर नॉर्दर्न हेमस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन है और साउदर्न हेमिसफेयर में ऑटम का सीजन है क्यों क्योंकि विंटर का एंड हो रहा है नॉर्दर्न हेमस्फेयर में और समर का स्टार्टिंग हो रही है इसी तरीके से आगे चलने पे जब फिर नॉर्दर्न हेमिसफेयर में समर होता है और साउदर्न हेमिसफेयर में विंटर आ जाता है फिर यहाँ पे जब और रिवोल्यूशन होता है तो विंटर जब एंड होता है तो यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ जाता है और नॉर्दर्न uh, हेमिस्फीयर में ऑटम आ जाता है तो ये विंटर और समर के बीच में ही हमारा ऑटम और स्प्रिंग का सीजन भी आता है ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर दिस लेक्चर एंड ऑल्सो अबाउट योर चैप्टर नंबर थर्टीन In next lecture we will discuss about all the book exercises of this chapter thank you students